दोस्तों, चंद्रयान 3 ने जागते ही किए नए कारनामे। भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 ने लोगों के दिलों में स्थान बना लिया है और पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। भारतीय चंद्रयान 3 एक के बाद एक नए और रोचक खुलासे करते जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। अब चंद्रयान 3 ने जागते ही नई तस्वीरें भेजकर इतिहास रच दिया है। इसके कैमरे में आखिर कौन सा ऐसा दृश्य है जो सभी को अचंभित कर रहा है? आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वो सब कुछ बताते हैं जो हमारे चंद्रयान 3 ने अपनी आंखों से चांद पर देखा है, और इसरो को जो रहस्यमय तस्वीरें भेजी उनका भी पर्दाफाश करेंगे कि आखिर उन तस्वीरों में क्या छिपा है। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 के नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद की सतह पर बेहद स्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। ये तो आप जानते ही होंगे कि साल 2009 में हमारे चंद्रयान 1 मिशन ने चांद पर पानी की खोज की थी, लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि बड़े बड़े गड्ढों में बेहद ठंडे पत्थरों और बर्फ के रूप में मौजूद है। दरअसल चांद की जमीन काफी उबड़ खाबड़ है और इसमें कई बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे मौजूद हैं, जो इतने बड़े हैं कि पिछले करोड़ों साल से इनके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है। इस गड्ढे का डायमीटर 2500 किलोमीटर और गहराई तो इतनी ज्यादा है कि इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट समा जाए। इस गड्ढे की करीब गहराई 8.2 किलोमीटर के आसपास है और ये पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों और उपग्रहों में मौजूद गड्ढों में सबसे गहरा गड्ढा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की धरती में पानी छिपा हुआ हो सकता है। इसके अलावा वहाँ पर हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया, मरकरी, मिथेन और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना भी मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया है। 6 अगस्त के दिन हमारे चंद्रयान 3 के चांद के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद से ही इस चांद के कई रहस्यों को सुलझाना शुरू कर दिया, जिन्हें देखकर दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक हैरान हैं। सबसे पहले 14 जुलाई को जब हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, तो उसने अपने कैमरा को चालू करके हमारी धरती का एक फोटो कैप्चर किया, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद इसने पूरे 20 दिन के बाद अपने कैमरा को फिर से चालू किया। तब तक ये चांद के बेहद करीब पहुँच चुका था और इसने एक साथ चंद्रमा के कई सारे फोटो अपने कैमरे में कैद किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो फोटो देख रहे हो ये हमारे भारत के बाहुबली चंद्रयान 3 ने खींची हैं। इन तस्वीरों के रिलीज होते ही पूरी दुनिया भर में इनकी चर्चाएं होने लगी हैं, जिससे भारत के जानी दुश्मन भी सोच में पड़ गए हैं। इन तस्वीरों में आपको कई हरे और नीले रंग के छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। असल में ये गड्ढे छोटे नहीं बल्कि बहुत ही विशाल हैं और आकार में किसी शहर से भी बड़े हैं। इन गड्ढों का निर्माण अरबों सालों से चंद्रमा पर गिरने वाले उल्का पिंडों की वजह से हुआ है। दरअसल दोस्तों, चांद पर हमारी पृथ्वी के जैसा कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है जो उन उल्का पिंडों को वायु के घर्षण की मदद से जला सके, जिस वजह से इसकी ओर आने वाले उल्का पिंड सीधे इसकी सतह से जा टकराते हैं, जो एक बहुत ही विशाल गड्ढे का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों, आखिर चंद्रयान 3 ने अपने कैमरा में ऐसा क्या कैप्चर किया जो सभी को हैरान कर रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में आपको चांद की अंधेरी दुनिया के कुछ क्रेटर दिखाई दे रहे हैं, और यही क्रेटर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है, क्योंकि हमारे चंद्रयान 1 ने इन्हीं गड्ढों के नीचे पानी और कुछ सीमित गैसों के मौजूदगी की जानकारी दी है। ये क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर मौजूद है, जहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 बहुत जल्द उतरने वाला है, और उसके उतरने के बाद चांद के कई सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर चांद की अंधेरी दुनिया में समाहित इन गड्ढों के अंदर क्या रहस्य छिपा है। अगर भारतीय वैज्ञानिक इस मिशन की मदद से किसी बड़ी खोज को अंजाम देते हैं, तो
तो इसरो पूरी दुनिया में नंबर वन स्पेस एजेंसी बन जाएगी। साथियों, साल 1959 में रूस के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था, जिसके बाद नासा ने मून मिशन किए और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कारण दिया कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी गहनता से रिसर्च की जा सके। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छिपाया है, जबकि चांद पर नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे नासा चाहकर भी दुनिया को नहीं बताना चाहता। नासा के द्वारा भी इन 12 में से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कुछ अजीब घटनाएं महसूस की, तो कुछ ने चांद पर बनी अजीब ब्रिज और एंटीना जैसी संरचना को भी देखने का दावा किया था। वही चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट जैसी संरचना भी दिखी थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका चांद पर बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। हालांकि नासा ने कभी इस बात पर ऑफिशियल बयान नहीं दिया था, लेकिन नासा के रिटायर वैज्ञानिकों ने कई बार ये कबूला है कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। यहाँ तक कि चांद पर पहला कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि चांद पर उस वक्त हम लोग अकेले नहीं थे, बल्कि कोई और भी मौजूद था जो हमें देख रहे थे। लेकिन आखिर कौन चांद की उस अंधेरी दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, इस बात की खबर आज तक किसी को नहीं है। फिलहाल यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये है कि ये सभी मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर किए गए थे, जहाँ पर लैंडिंग करना चांद के दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफी ज्यादा आसान माना जाता है। लेकिन साल 2019 में भारत के चंद्रयान 2 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अपने इस प्रयास में चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन आखिर चांद का दक्षिण ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है? क्या छिपा है चांद की उस अंधेरी दुनिया में? दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे कई बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, और सूरज की धूप न पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो अलग बात है, खुद स्पेसक्राफ्ट के लिए भी ऐसे तापमान में काम करना मुश्किल है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेसक्राफ्ट पर लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इन गड्ढों में सूरज की रोशनी न पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई हिस्सों में काफी ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से चांद की ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रूस और चीन के ऑर्बिटर भी वहां के काफी हिस्सों को ठीक से नहीं देख पाए। यानी कि उन हिस्सों में क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता। ऐसे में वहां पर यान उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव के जमीन उत्तरी ध्रुव से ज्यादा उबड़ खाबड़ है। वहीं यहां पर कुछ मीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है। धरती से चांद के दक्षिणी छोर की दूरी काफी ज्यादा होने की वजह से यान से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसरो की इस बार दूसरी जीत से खुश हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके अपने हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।